हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश उत्सव हो और मोदक ना बने घर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम सभी बनाते हैं और खाते हैं तरह तरह के मोदक। तो आज मैं आपको बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही फटाफट और बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ ये शुगर फ्री मोदक बनाने सिखा रही हूँ। और ये मोदक बन रहा है बस सारे ड्राई फ्रूट से, और इसमें किसी भी तरह के शुगर या गुड़ का यूज़ मैंने नहीं किया है। तो देखिए, आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए ये शुगर फ्री मोदक। और अगर मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो बस इसके लिए सिर्फ हमें डेट्स चाहिए, थोड़े से मावा या खोया चाहिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम खजूर को यानी कि डेट्स को कट कर लेते हैं और इसके बीज को रिमूव कर देते हैं। देखिए ऐसे, ये मैंने एक कप खजूर लिया है। तो आप इसके एक कप खजूर के सारे ही सीड्स निकाल लें। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है ये, क्योंकि खजूर बहुत सॉफ्ट है। तो आसानी से आप इसके सीड्स को निकाल लें। फिर आप इसको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा चर्न कर लें, एक से दो बार। बहुत बारीक नहीं हो, थोड़ा दरदरा भी चलेगा। ऐसे मैंने निकाल लिया है, देखिए। अब हम गैस पे चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई को, और ये जो पेस्ट है या यूँ कह लें दरदरा पीसा हुआ अपना खजूर है, इसको मैं डालती हूँ बिल्कुल लो हीट पे। और इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं, जो कि इसको एक शाइनिंग इफ़ेक्ट भी देगा और एज़ वेल ये थोड़ा सा इसको पकने में भी हेल्प करेगा। तो घी डालने के बाद देखिए, चूँकि मेरा आँच बहुत ही लोएस्ट फ्लेम पे है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बस इसको ऐसे दबाते दबाते हुए आप भूनिए, ये थोड़ा सा हीट पाके मेल्ट हो जाएगा, फिर ये अच्छे से भुनेगा। अब यहाँ पे जब ये थोड़ा पिघल गया है तो मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 कप ऑफ मावा खोया। ये घर का बना हुआ खोया है तो एकदम ड्राई है। आप अगर मार्केट का यूज़ करें तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और इसकी जगह पे आप चाहें तो मिल्क मेड का भी यूज़ कर सकते हैं। बट तब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मिल्क मेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया था मिल्क, कुछ बूंदें, जिससे ये अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और साथ में डाला यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डालिए, जो भी मिले जुले हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। और सारी चीज़ों को ऐसे दबाते दबाते हुए मिलाइए, अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, और थोड़ी देर बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ को पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसको एक मिक्स देना है। तो आप लोएस्ट फ्लेम पे इसको थोड़ी देर हिलाते हुए चलाइए और इसको डिस आउट कर लीजिए किसी दूसरे बर्तन में। अब हम बनाते हैं मोदक। तो मोदक के लिए मैंने ये मार्केट में अवेलेबल जो ईजीएस्ट अवेलेबल मोदक मोल्ड है उसको लिया है। उसमें इसको घी से ग्रीस किया है, और देखिए ऐसे बनाते हैं मोदक। आप एक जो आपका मिक्सचर है उसे एक राउंड, थोड़ा लंबा सा शेप बनाइए और इसको दबा दबा के बिल्कुल फिल कीजिए, अच्छे से दबाइए, जिससे कि मोदक अच्छा शेप ले और इसके ग्रूव सारे निकल के आए। ऐसे, दैट्स इट, ये रेडी हो गया। और देखिए कितनी आसानी से ये मोदक बनता है। मैंने थोड़ा ग्रीसिंग कम की थी तो निकालने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। आप इसको अच्छे से घी से ग्रीस कीजिए और थोड़ा शेप परफेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, मिक्सचर को आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए और फिर मोदक बनाइए, तो ये आसानी से निकलेगा। ये देखिए, बिल्कुल एक एक मोदक बिल्कुल परफेक्ट शेप का आ रहा है। अब देखिए ये कितना शानदार मोदक बन के निकला है। तो मोदक आप बनाइए, और खासकर ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डेट्स मीठा होने के बाद भी इसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि डायबिटिक लोग भी इसको खा सकते हैं। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन पे ही मैंने बताया है। तो देखिए, आप खाइए और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को भी खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो आपको अगर मेरे रेसिपीज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और साथ ही और भी जो रेसिपीज़ हैं उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैप्पी गणेश चतुर्थी।